आप देख रहे हैं हमीरपुर टाइम्स न्यूज। तालाब की अधिकारियों द्वारा सीमांकन किए बिना की जा रही दबंगई से पोकलैंड मशीन से खुदाई। दरअसल मामला जनपद जालौन के कदौरा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम संधी का है, जहां गांव में बने तालाब की सीमांकन के बिना खुदाई किए जाने पर गांव के लोगों ने जिलाधिकारी डॉक्टर मनन अख्तर को दूरभाष के माध्यम से शिकायत की थी, जिसको लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर मनन अख्तर के द्वारा टीम को भेजकर तालाब का निरीक्षण कराया गया। वहीं गाँव के लोगों का कहना है कि जाँच करने आई टीम के मुताबिक गाँव के सभी लोगों के द्वारा तालाब के रकबे का सीमांकन करने के बाद खुदाई की बात कही गई थी। वहीं जांच करने आई टीम ने गांव के लोगों को सीमांकन कराकर खुदाई करने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन तहसीलदार कालपी व लेखपाल ने ग्राम प्रधान व ठेकेदार की मिली भगत से बिना गांव वालों को सूचना दिए ही बता दे हरे पेड़ वहां पर बनी कब्रें तक खोद डाले। वहीं आलाधिकारी लगातार जाँच की बात कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन मामलों को लेकर उच्च अधिकारी क्या कुछ कार्रवाई करते हैं या फिर इस तरह दबंगई से पोकलैंड मशीन गरजती रहेंगी। देखिए कालपी से विशेष रिपोर्ट। साहब मेरे कागज में खतवा नहीं दर्ज है, तालाब के नक्शा में दर्ज है। इन लोगों ने दबंगों ने खुदवा दिया, जबरदस्ती खुदवा दिया साहब, उसमें बहुत गहरा खुदवा दिया वहाँ। किन्होंने खुदवाया है? ये जो दबंग लोग हैं इन्हीं ने खुदवा दिया गांव के। आपने शिकायत की? शिकायत हमारे पास SDM को दिया था लिख के, उसने लेखपाल को दिया था, सब मिली भगत, लेखपाल नापने नहीं आया आज तक। 16 तारीख को हमारी SDM की उसमें क्या है मामला इस तालाब का? मामला तालाब का इस समय कि हमारे गाँव का तालाब का 1166 नंबर 20 बीघे का है, 3 हेक्टेयर 660। तो क्या हुआ है इसमें? इसमें ये हुआ है कि यहाँ पर अधिकारियों ने, बीच वाले दलालों ने, ठेकेदारों ने, हमारे यहाँ की जनता जो बसी हुई है किनारे पर, वो जो है 32 फट्टी का रकबा है, उनसे लाज घूस लेने की कोशिश कर रहे थे, मकान खुदवा देंगे।